हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DRDO सेप्टम 10 के बारे में। और DRDO सेप्टम 10 जिसके अंतर्गत टेक्नीशियन ए के लिए आप लोगों को पता होगा 826 टोटल पोस्ट आए हैं। टोटल 826 पोस्ट आए हैं और जिसमें आप लोगों को टोटल 21 ट्रेड के लिए, जिसके अंतर्गत आप लोग का इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डर, वाइंडर सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत सारी वैकेंसी आई है DRDO की तरफ से। टोटल 826 पोस्ट है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग का जो टेक्नीशियन ए का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, टेक्नीशियन ए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 120 और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और टाइम मिलने वाला है आपको 90 मिनट सिर्फ। फिर आपको हम लोग बात कर लें कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, इसमें आप लोग को नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप लोग का प्लस पॉइंट है। जो आप लोग का 120 क्वेश्चन का एग्जाम होगा इसमें आप लोग को नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप लोग का प्लस पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग का आप लोग का सिर्फ सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, ध्यान रखना है, सिंगल स्टेज यानी सिर्फ CVT1 होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग का सिर्फ सिंगल स्टेज एग्जाम होगा जिसमें आप लोग को पार्ट ए और पार्ट बी करके एग्जाम होगा, ठीक है। जिसमें आप लोग को पार्ट ए में टोटल 40 क्वेश्चन और पार्ट बी में टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें पार्ट ए में हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वांटिटिव एटीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन रहने वाले हैं, और फिर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहने वाले हैं, और बेसिक इंग्लिश से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल 4 सब्जेक्ट है और प्रत्येक सब्जेक्ट से आप लोग को 10-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 40 नंबर आप लोग का नॉन टेक्निकल एग्जाम होगा। 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आप लोग को एक अंक दिया जाएगा, सिर्फ एक नंबर होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर हम लोग बात कर लें पार्ट बी, तो पार्ट बी में आप लोग का जो ट्रेड है, आप लोग का जो ब्रांच है, जो पोस्ट है, उससे आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आप लोग का टेक्निकल 80 क्वेश्चन आप लोग का टेक्निकल आने वाला है। यानी फ्रेंड्स आप लोग का जो ब्रांच है वो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि इसी से आप लोग का मेरिट तय होगा, ध्यान रखना है दोस्तों। 80 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल होगा 120 क्वेश्चन, 90 मिनट, ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लें कि आप लोग अगर यह एग्जाम देते हैं CVT1 तो आप लोग का फिर स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट के लिए 1:8 यानी एक सीट के लिए 8 स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के लिए चुना जाएगा, ध्यान रखना है। जिस भी ट्रेड में जितना सीट है उसके अकॉर्डिंग 8 गुना स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के लिए चुना जाएगा, स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट। और आइए आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट या सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। तो हम लोग बात कर लें कि आप लोग का मेरिट किससे बनेगा, तो आप लोग का मेरिट बनेगा सिंगल स्टेज एग्जाम, ध्यान रखना है। मेरिट एंड सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन CVT एग्जाम। CVT एग्जाम है, जितना ज़्यादा आप लोग स्कोर करेंगे वह आपका मेरिट तय होगा फ्रेंड्स, ठीक है। CVT स्कोर में आप लोग जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें वही आप लोग का मेरिट तय करेगा। तो यार फ्रेंड्स, आप लोग का टेक्नीशियन है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस। अगर इसके अलावा कोई अगर आप लोग को डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।